हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने बहुत ही इजी चिली पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी इजी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, एक पाव पनीर है और दो कटे हुए शिमला मिर्च है जिसे मैंने धो के काट लिया है। छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। यहाँ मैंने दो बड़े प्याज को लिया है, इस प्याज को मैंने खोल लिया है। आप देख रहे हैं, मैंने इसको खोल लिया है, अलग अलग कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच मिर्च पाउडर लिया है, 3 से 4 मिर्च छोटे छोटे कट किए हैं, 10 से 12 लहसुन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, अदरक का टुकड़ा लिया है, यहाँ सोया सॉस है, 3 चम्मच चिली सॉस है और 4 से 5 चम्मच टोमेटो केचप है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मिर्च लाल मिर्च पाउडर को लिया है। अब हम एक थाली लेंगे और उस थाली में हम 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसे पनीर के साथ मिक्स करेंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हमारा जो पनीर है बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा और ये टूटेगा नहीं। और इस चिली पनीर में इसका जो टेक्सचर है, इसका जो टेस्ट है, वो काफ़ी अच्छा आएगा। आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक नया ट्रिक देंगे हम कि जो मैंने यहाँ 1 चम्मच मिर्च पाउडर लिया था, मिर्चा पाउडर, उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका घोल बना लेंगे। और इसमें हम इसको 1 से 2 चम्मच इस पनीर में हम डालेंगे, जिससे कि हमारे पनीर में हल्का सा कलर भी आ जाएगा और इसका थोड़ा सा ये फीका भी नहीं लगेगा। बाकी जितना बचा हुआ मिर्चा पाउडर है उसको हम सब्जी में डाल देंगे। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे बिना मेहनत के, बिल्कुल 10 मिनट में बहुत ही टेस्टी चिल्ली पनीर की सब्जी आप अपने घर में बना सकते हैं। अब मार्केट का खाना भूल जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इसमें क्या क्या है, मैंने पनीर को अब मैं हल्का हल्का फ्राई करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, बहुत हल्के से इसको फ्राई करना है। अगर आपको ऐसा ही यूज़फुल बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी अगर सब्जी की रेसिपी चाहिए होगा, फिर कोई किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए होगा, तो आज प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था चिल्ली पनीर की रेसिपी शेयर करने के लिए, तो आज ख़ास तौर पे मैंने उनके लिए चिल्ली पनीर की सब्ज़ी बनाई है। आपको भी अगर किसी तरीके का और चाहिए होगा कोई रेसिपी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप देख रहे हैं मेरा पनीर जो है मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से एकदम मतलब कि सेट हो गया है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। यहाँ पे मैं बहुत कम लोग के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा लोग के लिए बना रहे हैं तो पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर, इन सारे इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। अब मैंने पनीर को निकाल लिया है और अब मैं इसमें से तेल को निकालूंगी। आप इसमें किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया हुआ है। अब इसमें से हम तेल को निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है, मैंने यहाँ पे भी कोई भी वीडियो को स्किप नहीं किया है। बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ 10 मिनट में चिल्ली पनीर की टेस्टी सब्जी बनाई, मेरी फैमिली वाले को बहुत पसंद आया। अब हम इसमें जो मैंने मिर्चा काटा हुआ था उसको हम तेल में डाल देंगे। यहीं पे हमने लहसुन को डाल देंगे, अदरक को डाल देंगे और बहुत ही हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमको लाल नहीं करना है,
बहुत हल्की से इसको हम डाल देंगे। अगर आपको सब्जी कम और ज़्यादा बनाना है तो उसके हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और मेरा अदरक, मिर्चा और लहसुन हल्का हल्का सॉटे हो गया है, और अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, प्याज को ऐड करेंगे। इस तरीके से आप एक बार जरूर बनाएं, सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, सबको आपके घर में बहुत पसंद आएगा। ये देखिए मैंने प्याज को इसमें डाल दिया है। मैंने प्याज को बहुत ही अच्छे तरीके से, प्याज को कैसे कट करते हैं, कैसे इसका जो एक एक होता है उसको कैसे निकालते हैं, शिमला मिर्च को किस तरीके से परफेक्टली कट किया जाता है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैंने यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को डाल दिया, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगा। नमक को बहुत ही हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमारी जो सॉस है उसमें भी काफ़ी नमक होता है। सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो केचप में, इन सभी में नमक होता है, इसलिए हमें नमक इसमें आपको बहुत ही हल्का सा डालना है। अभी इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट होने के लिए। अब तब से यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 चम्मच जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था उसको में पानी डालकर उसका एक घोल बना लेते हैं। इस घोल को काफ़ी पतला, जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगा, जैसा आपको ग्रेवी चाहिए होगा उसके हिसाब से इसका हम घोल तैयार करेंगे। देख रहे हैं आप, घोल काफ़ी पतला है और यहाँ पे हमारा शिमला मिर्च और प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच सोया सॉस, सोया सॉस स्टार्टिंग में आप बहुत कम डालिएगा, क्योंकि इसका जो अंदाज़ा है वो सही से नहीं मिल पाता है। बहुत ही स्टार्टिंग में ज़्यादा डाल देने से वो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। आपको लास्ट में अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, आपको अगर लास्ट में इसका कलर टेक्सचर दिखने में कम लगे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने चिली सॉस डाला है और 4 चम्मच हमारे टमाटर केचप डाला है। टोमेटो केचप आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे जो मैंने 1 चम्मच मिर्च पाउडर लिया है उसको मैंने डाल दिया है। मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मेरे सारे सॉसेस मिल गए हैं। अब यहाँ पे मेरा जो 1 चम्मच बचा था मिर्च पाउडर उसको हमने डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी है, केवल 5 मिनट में या 10 मिनट में आप इस सब्जी को बना सकते हैं। कभी भी शाम के नाश्ते में आप ड्राई चिली पनीर भी बना के खा सकते हैं। उसमें आप क्या कीजिएगा कि जो आप कॉर्नफ्लोर की पानी डालकर आप बना रहे हैं उसको बहुत ही कम मात्रा में डालिएगा, यही पे बहुत हल्का सा डालिएगा पानी और कॉर्नफ्लोर एक में घोल कर, तो आपका वो ड्राई चिल्ली पनीर हो जाएगा। तो आप इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब मैंने सब्जी बनाई है, चिल्ली पनीर की सब्जी मैंने बनाई है, तो यहाँ पे मैं इसका पूरा ही घोल डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए। और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर और पानी दोनों ही अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। आप देख रहे हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल मार्केट जैसी चिल्ली पनीर की सब्जी लग रही है। इसमें मुझे कोई भी चीज़ कम और ज़्यादा नहीं लग रही है। इसका कलर, इसका टेक्सचर सब एकदम सेम, एकदम इसका जो स्मेल आ रहा है वो भी एकदम मार्केट जैसे चिल्ली पनीर की सब्जी की तरह आ रहा है। आप ज़रूर इसको अपने घर पर एक बार ट्राई कीजिए, मेरे कहने पे तो आपको एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। फिर आप मुझे बना कर उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी कम लग रही थी तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर और पानी की मात्रा को बढ़ा दें और ग्रेवी को बढ़ा लें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा एकदम परफेक्ट चिल्ली पनीर बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम आपको सर्व करके दिखाएंगे।
ये देख रहे हैं एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी चिली पनीर की सब्जी ओनली 10 मिनट्स में बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही किसी और रेसिपी की वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही इजी रेसिपी लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।